बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक फिजिक्स के मुतालिक है। हम ऑप्टिक्स के बारे में जो पढ़ रहे थे, मिरर्स एंड लेंसेज, तो आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि जब लाइट रे किसी भी रेयरर मीडियम से, इसको हम रेयरर मीडियम कहेंगे, यानी लतीफ वास्ता, साफ, इंतहाई साफ वास्ता है ये, और ये जो है ये तकरीबन जो है निस्तन डेंसर मीडियम है। ये वाटर भी हो सकता है या फिर जो है ये कोई ग्लास भी हो सकता है, और ये आमतौर पर जो रेयर मीडियम है इसको हम एयर का मीडियम कहेंगे। तो व्हेन लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर ये इसका इंसिडेंट एंगल बन रहा है और ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट एंगल will be greater than refracted angle। तो जब भी light ray किसी भी rarer medium से denser medium में enter होगी तो ये normal की तरफ झुक जाएगी। ये इसका normal है, n और n dash से हम इसको denote करते हैं। ये वाली जो ray है इसको incident ray कहेंगे, और ये जो इसके अंदर मौजूद है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और यहां पर एक मुस्तकिल निस्बत जो है वो पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी साइन आई ओवर साइन आर, इनके दरमियान एक मुस्तकिल निस्बत पाई जाएगी जिसको हम एक मीडियम के लिहाज से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। अब यहाँ अगर आगे आए तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से ये रे ऑफ लाइट जो है ये रेयरर मीडियम में इंटर हुई है। एंड व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से कुछ दूर जो है वो झुक जाएगी, इस साइड पर परे हट जाएगी उससे, सॉरी। ये इसका इंसिडेंट एंगल और ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां पर देखा जाए तो इंसिडेंट एंगल इज अ स्मॉलर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। जहां पर जो इसके दरमियान मुस्तकिल निस्बत होगी उसमें पहले हम 1/n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, और जब हम इसको उल्टेंगे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन r ऊपर चला जाएगा और साइन i नीचे आ जाएगा। इसके भी दो लॉस हैं, फर्स्ट लॉ तो हम बयान कर चुके। दूसरा जो है क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाए ऑन अ सेम प्लेन, यानी एक ही नुक्ता पर वाक्य होंगे। तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हमने स्नेल्स लॉ कहा, और अगर जो है इसको किसी मीडियम में हम जो लाइट की स्पीड है उसको अगर हम वी से मेंशन करें, और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी अनदर मीडियम हो सकता है, इसको वी से डिनोट किया गया। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हवा में जो स्पीड होती है वो सी से डिनोट की गई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n इज इक्वल टू c ओवर v आएगा, ठीक है।
अब देखें, फर्ज करो कि वो यहां पर कोई स्पीड इंडिकेट कर देता है कि 2×10⁻¹⁸ m/s। फर्ज करो ये कोई ग्लास है, उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2×10⁻¹⁸ m/s है, और हवा के अंदर जो आवाज की स्पीड है 3×10⁻¹⁸ m/s है। तो यहां पर हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, 3×10⁻¹⁸ m/s डिवाइडेड बाई v की वैल्यू क्या है, 2×10⁻¹⁸ m/s। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड रिमूव हो गया, 10⁻¹⁸ से 10⁻¹⁸ भी रिमूव हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आई, 1.5। तो लिहाजा जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से हैं। एयर का जो है वो 1.00, इसी तरह से ग्लास जो फ्लिंट ग्लास होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66, और जो क्राउन ग्लास होगा, यानी ये भी ग्लास ही है, क्राउन ग्लास शीशे की किस्म है, इसका जो है वो तकरीबन 1.52 के करीब होता है, यानी 1.5 भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। और इसी तरह से ग्लाइसरीन का 1.47 होता है। इसी तरह अगर वाटर को ले लें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो हैं मटेरियल्स उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो मुख्तलिफ आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो डायमंड, ये ज़्यादा रेस को मोड़ता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 के तकरीबन बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ये भी आपको याद करने हैं, फार्मूले के साथ जो है इसकी कैलकुलेशन करने भी आती हो। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसके बारे में अगर कोई भी अबहम हो तो आप इसके बारे में क्वेश्चन जो है कर सकते हैं कमेंट्स में जाकर। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके साथ लगा हुआ जो बेल का निशान है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले जो नए नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँच सकें। वस्सलाम।